नमस्कार किसान भाइयों। तो हम आज जो है चना की फसल को देखने के लिए आए हुए हैं। इसमें जो है हमने 8-10 दिन पूर्व जो है चना के बन्नाशक का यूज़ किया था, जिससे जो इनके प्लांट में ग्रोथ जो है काफ़ी तेज़ी से रुक गया है। तो इनका ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमने जो है एक मार्केट में दवाई आए हैं उनको जो है इस लाकर हमने अपने फसलों में यूज़ किया है। तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको उस दवाई के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों, ये जो है जिब्रेलिक एसिड है, तो हम आपको इनके बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। जिब्रेलिक एसिड क्या है? यह एक जो है हार्मोनल एवं एंजाइम की उपस्थिति में पौधे की उत्प्रेरक क्षमता को बढ़ाए रखता है और फसलों में दक्षता को यह सुधार करती हैं। इससे जो है फसलों की सेल्स में वृद्धि देखने के लिए मिलती है और यह जो है आपको मार्केट में लिक्विड एवं पाउडर दोनों फॉर्म में अवेलेबल मिल जाएगा। तो इनका स्प्रे कब और कैसे करें, तो हम आपको बता देखिए इनका स्प्रे जो है जब किसी फसल का ग्रोथ जो है बढ़ने के लिए रुक गए हैं तो आप जो है जिब्रेलिक एसिड का उपयोग जो है आसानी से कर सकते हैं। इसका स्प्रे से हमें कैसे लाभ पता चलते हैं, तो हम आपको बता दें कि किसान भाइयों, इनका स्प्रे से जो है पौधे की सेल समय वृद्धि देखने के लिए मिलता है, दूसरा जो है फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ा देती है और तीसरा जो है फसलों की क्वालिटीज और थोड़ा सा सेल्स हमें मोटापन आपको हम दिखा दें कि किसान भाइयों यहाँ देखिए इसके पौधे में जो है मोटापन जो है हमें आसानी से देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ भी देखिए किसान भाइयों इसकी सेल्स जो है काफ़ी ग्रोथ देखने को हम लोग मिल रही है। तो प्राइस के बारे में हम आपको बता दें कि किसान भाइयों इनका प्राइस जो है 1 ग्राम का होता है। ये 1 ग्राम जिब्रेलिक एसिड को आप जो है मार्केट में 40 से 60 रुपये के बीच जो है आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इसकी घोलने की प्रक्रिया हम इसको कैसे घोलें, तो हम आपको बता दें कि किसान भाइयों इनका 1 ग्राम जिब्रेलिक एसिड को आप जो है 1 लीटर पानी में लेकर आप इसे आसानी से घोल सकते हैं। यदि जो है ये पानी में घुलनशील नहीं है तो इसे आप जो है शराब या अन्य विक्सी में आप जो है 100 ml लेकर 1 ग्राम जिब्रेलिक एसिड को आप पेस्ट बनाकर फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। डोज के बारे में बात करेंगे तो किसान भाइयों आप 1 ग्राम जिब्रेलिक एसिड को 1 एकड़ में आसानी से आप स्प्रे ले सकते हैं। इन्हें इनका उपयोग जो है हम किन किन फसलों में कर सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि किसान भाइयों इनका उपयोग जो है आप चने की फसल में, सोयाबीन की फसल में, गेहूं की फसल में और गन्ने में गांठ की बढ़ोतरी के लिए और कपास की जो है फसल में उनकी सेल्स बढ़ाने के लिए हम आसानी से कर सकते हैं स्प्रे। और थोड़ा सा सावधानी भी है किसान भाइयों कि इसे आप जो है खरीदते हो तो इससे पहले आप जो है इनका एक्सपायर डेट जरूर चेक कर लें और इनका स्प्रे जो है केवल कार्य में ही करें और इसे बच्चों की पहुंच से जो है काफ़ी अधिक दूर रखें। धन्यवाद किसान भाइयों। आपको किसान भाइयों इसमें कुछ जो है जानकारी लेना है तो आप जो है कमेंट में जो है लिख कर हमें प्रश्न कर सकते हैं और आप जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले अन्य वीडियो आप तक आसानी से जल्दी पहुंच पाए। धन्यवाद किसान भाइयों।